देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। इस बीच गोड्डा के एक विद्यालय में जमकर हंगामा हुआ है। हंगामा की वजह भी बताई जा रही है कि अमृत महोत्सव ही रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से स्कूल के शिक्षक को बच्चों ने घेर लिया है। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये वो हंगामा जो स्कूल में चल रहा है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75वें साल पूरे होने के बाद जो अमृत महोत्सव मनाए जा रहे थे उस बीच एक स्कूल में चल रहा है। ये स्कूल ठाकुरगंजी के मोरडीहा का उच्च विद्यालय है और उच्च विद्यालय में शिक्षकों को बच्चों ने घेर लिया है। घेरने की वजह यह है कि झंडोत्तोलन के बाद बच्चों को जलेबियां नहीं दी गई और बच्चों का आरोप है कि शिक्षक स्कूल में जलेबियां नहीं बांटे। सभी काम कराने के बाद, झंडोरोहण करने के बाद हर वर्ष जिस तरीके से जलेबियां बांटी जा रही थी उस तरीके से इस बार नहीं हुआ। खाना बनाने वाले को भी फतवा देना। मामला ये उठा कि इंडिपेंडेंस का दिन था, सबको उत्सुक से आए, सबको पधारे यहाँ पे, लेकिन सब बच्चा सब कुछ प्रोग्राम किया लेकिन वो अच्छे से सुविधा नहीं हुआ, कुछ चीज का सुविधा नहीं हुआ। अभी प्रसाद मिलना चाहिए इंडिपेंडेंस डे का, तो वो नहीं मिला प्रसाद, बच्चे नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाई, इसे बच्चे लोग सारे बच्चे हंगामा कर रहे हैं। क्या मामला सर? सब बच्चा को इतने थकवाने में घुरवाने सर, डांट किया सर, कुछ नहीं दिए सर, कल कुछ क्या हम सब खेलने आए कि पढ़ने आए, कहीं जितने घूम के थके आप लोग बुनियाद से नहीं मिला कि इस पूरे मामले पर जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जलेबी लाने के लिए भेजा गया है, विलंब हो रहा है। कल ही स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि जलेबियां बांटी जाएगी, लेकिन स्कूल के अध्यक्ष ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं और फिर जलेबियां नहीं आ सकी। हालांकि अभी सुबह जलेबियों की ऑर्डर दी गई है और थोड़ी ही देर में आ जाएगा, लेकिन 2 घंटे से नहीं आया, इस वजह से बच्चे स्कूल में हंगामा कर रहे हैं। बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग झंडा तोलने के बाद जो प्रसाद वितरण करनी चाहिए जैसे हर स्कूल में किया जाता है, इस स्कूल में नहीं किया गया प्रसाद वितरण, जिसके विरोध में बच्चे सब बच्चे चारों बगल गेट लगा दिए गए हैं, मास्टर को घेर के रखे हुए हैं। ऐसा क्यों? ऑर्डर दिया गया है, वो विलंब कर रहा है, उसकी गलती है, हम भेजे हुए हैं स्टाफ को फिर लेकर के जल्दी से आइए। और बच्चे बोल रहे हैं कि ये तो प्रोग्राम सवेरे से होना चाहिए, कल से भी कल से ही ऑर्डर जितना भी दिया जाता है वो कल ही दिया जाता है, टोटल सामान आ जाता है, ऐसा फिर क्यों, ऐसा लेट क्यों? 3 दिन पहले बैठक हुई है और इस पर निर्णय हुआ कि नहीं, अध्यक्ष साहब बोले कि हम व्यवस्था कर लें। तो बच्चे कितने देर तक यहाँ इंतजार करेंगे? टाइम सर 11 हो रही है, झंडा तो बोले हैं कि पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं हो पाएगा झंडा तो हम क्या करते हैं, सुबह ऑर्डर दिए। झंडा तो कितने बजे हुई? झंडोत्तोलन तो 9 बजे हुई। 9 बजे अभी कितना टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं, बच्चे 2 घंटा इंतजार, धूप में इतनी कड़ी धूप है, इसमें बच्चे इंतजार, भूखे पेट लाने गया है, कब आए?